आज की इस वाली वीडियो में कुछ इस टाइप का बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस टाइप का बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो फोटो डिस्प्ले मोड है इसे फिल करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जिस भी फोटो का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये जो फोटो का ड्यूरेशन है इसको जितना बड़ा आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे जो लेयर वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। इफ़ेक्ट में क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिक इफ़ेक्ट है इसमें क्लिक करके गाजियन ब्लर में क्लिक करना है और इसका जो साइज़ है इसे पूरे स्क्रीन में कर लेंगे और डन करेंगे। फिर इसका जो ड्यूरेशन है उसे जितना बड़ा स्टेटस है वहाँ तक ड्रैग कर देंगे। स्टार्टिंग में आ जाएंगे। लेयर में क्लिक करना है। मीडिया में क्लिक करना है। एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है इसे ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इसे साइड में कुछ इस तरह से यहाँ पास रख देंगे और यहाँ पे जो क्रोमा की वाला ऑप्शन है इसमें आ जाना है। क्रोमा की में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो की कलर है इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे और डन करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे और इसे 50% कर लेंगे। डन कर देंगे। अब इस वाली वीडियो को सेव कर देंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज वीडियो में क्लिक कर देंगे तो ये वाला वीडियो सेव हो जाएगा। वीडियो को सेव कर लेने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर से प्लस के आइकन में क्लिक करना है। 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। एक ब्लैक कलर का इमेज है इसे ऐड कर लेंगे। इसका ड्यूरेशन को जितना बड़ा आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे। लेयर में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करेंगे और जिस भी फ़ोटो का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से रख देंगे। बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे। लेयर में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करेंगे और इससे पहले हम लोग जो वीडियो को सेव किए हैं उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहां से स्प्लिट स्क्रीन में क्लिक करेंगे और इसे पूरे स्क्रीन में कर लेंगे। बैक करेंगे। यहाँ पर जो क्रोमा की वाला ऑप्शन है इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर जो की कलर है इसमें क्लिक करके इसको ग्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे। कर देंगे और यहाँ पे जो फोटो है इसका साइज़ को बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पास आ जाएंगे और इधर पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम टू राइट ऑफ अ प्लेट कर देंगे। डन करेंगे। फिर से लेयर में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करेंगे। सेकेंड आपका जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से रखेंगे। बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट है इसमें क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये हटता है, देखिए स्क्रीन को देखो है ना, यहाँ पे जैसे ही हटेगा यहाँ पे आना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देंगे। फिर से लेयर में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट आप जो भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं उस वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से रखेंगे और स्लाइड करेंगे और बड़ा कर लेंगे। इसे लेफ्ट साइड में 3 डॉट है इसमें क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और इधर पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा देंगे। फिर से लेयर में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट आप जो भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं उस वाले इमेज को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे कुछ इस तरह से और इधर पे स्लाइड करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे। लेफ्ट साइड में 3 डॉट है इसमें क्लिक करके सेंड टू बैक करेंगे। सो गाइज, ऐसे ही आपको जितना भी फोटोज़ ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे लेयर में क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करेंगे। ये ब्लू स्क्रीन है इसको ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे क्रोमा की वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे जो की कलर है इसमें ब्लू करना है सिलेक्ट। फिर डन करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे और इसे यहाँ पर साइड में कुछ इस तरह से रखेंगे। इतना में रख लेते हैं। अब देखिए इधर पे तो नहीं है, ये तो यहाँ पास तक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और 3 डॉट में क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको ड्रैग कर लेंगे
अब इसमें हम लोग सॉन्ग को ऐड करेंगे। सॉन्ग ऐड करने के लिए ऑडियो में क्लिक करेंगे, जो भी सॉन्ग को आप ऐड करना चाहते हैं उस वाले सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं एक ये वाला सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको यही वाला सॉन्ग ऐड करना है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर बैक करेंगे, अब लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, एक बॉर्डर पीएनजी को ऐड करेंगे। इसका ड्यूरेशन को स्टेटस जहाँ तक है वहाँ तक बढ़ा लेंगे और इसे रोटेट कर लेंगे और इसे पूरे स्क्रीन में कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो गाइज, ये वाला स्टेटस वीडियो बन गया। अब इसे सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज वीडियो में क्लिक कर देंगे, तो ये वाला वीडियो बन जाएगा।